प्रभु की सेवा करना चाहते हैं आप, आपको मन में ऐसा लगता है कि मुझे खुदा की सेवा के लिए खुदा ने चुना है, ऐसा लगता है, आप अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं? पक्का? पति से पूछ के, पति से क्या बोला? इसमें बोलो बोलो, जवाब चाहता हूं। परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूं। इसमें पति से पूछने की बात नहीं है, वो तो गायब हो गया। बोलो, बाप है मेरा, उससे पति से पूछने की जोरदार था। इसमें पति से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु आपके पति का भी प्रभु है और पति से बढ़कर आपका प्रभु है। आमीन। आपके मुंह से यही बात सुनना चाहता था, आप पास हो गए। एक डेढ़ महीने से प्रभु ने मुझे बोला कई बार कि इस बहन को इधर स्टेज पे इन तीन बहनों के साथ खड़ा करना है, चार बार पांच बार बोल चुका है, लेकिन मैं कुछ बातों के लिए खामोश रहता हूं, देखता रहता हूं, कंफर्म करता हूं कि क्या ये खुदा की ही आवाज है। और आज फिर प्रभु ने बोला, उसको बुला, आज से आप हर एक संडे में किसी भी मीटिंग में आप इन तीन बहनों के साथ चौथी बहन होंगी प्रभु की सेवा के लिए। आमीन, आमीन। आंख बंद करो, दुआ करता हूं। सिर पे दुपट्टा ले लो आप, आज आपका अभिषेक परमेश्वर की सेवा के लिए हो रहा है। जीसस यीशु चाहिए, उसका मसा चाहिए, 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 यीशु 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 को दिल में बैठाओ, यीशु 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 की हमदो सनाओ, यीशु चाहिए, उसका मसा चाहिए, यीशु चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।